हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्ट प्ले इंस्टीट्यूट। मैं चाहता है आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू कोर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमएस ऑफिस के इंटरनल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने ऑफिस के वर्क्स को इजीली कर सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना और भी कई सारी चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि एक टाइम पर अगर मुझे मल्टीपल लोगों को लेटर सेंड करना है तो वो कैसे होगा, तो ये सब होगा एमएस वर्ड की हेल्प से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी एमएस वर्ड का एक फीचर होम टैब। होम टैब में हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे, जितने भी उसमें ऑप्शंस होते हैं वो सारे आज मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसमें आपको फॉर्मेटिंग्स के बारे में पता चलेगा, अपने डॉक्यूमेंट को हम कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं ये आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एमएस वर्ड में जो सबसे फर्स्ट ग्रुप होता है वो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड के अंदर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है कट। कट का क्या यूज होता है? Remove selected text and places it on the clipboard, ready to be pasted elsewhere. यानी कि कट का मतलब है कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना। Special information: the clipboard can store up to 24 items in MS Word. Clipboard क्या करता है? हमारे कट एंड कॉपी की गए आइटम्स को स्टोर करके रखता है और 24 आइटम्स को वो स्टोर कर सकता है। इसको देखने के लिए आपने कंट्रोल सी को दो बार प्रेस करना है तो आपके सामने वो क्लिपबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कट एंड कॉपी के टेक्स्ट को वो शो करता है। नेक्स्ट है कॉपी। डुप्लीकेट्स द सिलेक्टेड कंटेंट एंड प्लेस इट ऑन द क्लिपबोर्ड। कॉपी का मतलब होता है कि अपने टेक्स्ट की ही एक डुप्लीकेट क्रिएट करना। स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को ही कॉपी नहीं करता, ये इमेजेस, टेबल्स, फॉर्मेटिंग्स, इन सभी को कॉपी कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा पेस्ट। इंसर्ट द लास्ट कॉपीड और कट आइटम्स इन टू द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी हम कट कर रहे हैं, जो भी हम कॉपी कर रहे हैं उसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। यूज पेस्ट स्पेशल ऑल्ट कंट्रोल वी टू चूज स्पेसिफिक फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट ओनली और इमेज ओनली पेस्ट। देखो अगर आप नॉर्मली कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो जो भी आपने कट एंड कॉपी किया है उसको आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो भी आपने कॉपी किया है उसकी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग ही कॉपी हो, सिर्फ और सिर्फ इमेज ही कॉपी हो, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं जिसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट कंट्रोल वी। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। कॉपीज फॉर्मेटिंग नॉट कंटेंट। इसका मतलब है कि जो हम टेक्स्ट को फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से हम कॉपी कर रहे हैं उससे हमारा टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर की फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। कि एक जगह से आपने अगर आपने एक टेक्स्ट में बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, वो सेम फॉर्मेटिंग आपको किसी दूसरे टेक्स्ट में चाहिए तो एक जगह से उसको पिक करके आप दूसरी जगह पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी क्या होता है कि हम एक टाइम पे एक ही फॉर्मेटिंग प्रिंटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट पे मैंने सिलेक्ट किया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पहले हम टेक्स्ट को कर देंगे, उसके बाद हमने फॉर्मेट प्रिंटर से उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जब हम उसको दूसरे पे अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बार अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो एक से ज्यादा बार अप्लाई हो तो फॉर्मेट प्रिंटर पे आपने दो बार क्लिक करना होता है। नेक्स्ट ग्रुप होता है हमारा द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का मतलब है जिसके अंदर हमारे ऑप्शन आते हैं फॉन्ट स्टाइल वाले। फॉन्ट स्टाइल, अ फॉन्ट इज अ डिजाइन स्टाइल फॉर टेक्स्ट सच एज कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन और कॉमिक सेंस। ये हमारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं जो हम बेसिकली सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑफिसेस वगैरह में, इन फॉन्ट्स का यूज हम कर सकते हैं और इनमें एक एरियल भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये ऐसे फॉन्ट्स हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन को देखने के लिए। द डिफॉल्ट साइज इन एमएस वर्ड इज 11 पॉइंट। जब हम अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो जो डिफॉल्ट साइज हमें सामने शो करता है स्क्रीन पर वो होता है 11 पॉइंट्स। नेक्स्ट है साइज। फॉन्ट साइज रेफर्स टू हाउ लार्ज और स्मॉल द टेक्स्ट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन प्रिंटेड पेज। स्पेशल इन्फॉर्मेशन, द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट इज 8। जो बाय डिफॉल्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है वो 8 वहां शो करता है, बट मैनुअली हम इसको 1 कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड क्या करता है? इससे हम किसी भी टेक्स्ट को डार्क कर सकते हैं, इटैलिक से हमारा टेक्स्ट थोड़ा बेंड हो जाएगा। अंडरलाइन होता है जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसके नीचे अंडरलाइन क्रिएट करना। यू कैन डबल अंडरलाइन टेक्स्ट बाय सिलेक्टिंग इट फ्रॉम द अंडरलाइन ड्रॉप डाउन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप अंडरलाइन का यूज करोगे तो सिंगल लाइन आएगी, लेकिन आप अंडरलाइन पे जाकर डबल अंडरलाइन का यूज करते हो तो उसके नीचे डबल लाइन क्रिएट कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट के नीचे। इसका यूज होता है किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए और इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट नोट्स को अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है टेक्स्ट इफेक्ट्स की। टेक्स्ट इफेक्ट्स क्या करता है? जो हमारे टेक्स्ट में ग्लो ऐड करता है, एड्स शेडोज ग्लो एंड मोर स्पेशल।
मोर ऑप्शंस को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि शेडो यूज करना, ग्लो यूज करना और भी बाकी सारे कई सारे इफेक्ट्स होते हैं रिफ्लेक्शन एंड ऑल, उनको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। परफेक्ट फॉर मेकिंग योर डॉक्यूमेंट हेडिंग्स लुक लाइक अ नियॉन सिंक्स। सेकेंड है फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर। द हाईलाइट कलर टूल वर्क्स लाइक अ वर्चुअल हाईलाइट पेन हेल्पिंग यू एम्फेसिस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इट्स ग्रेट फॉर मार्किंग की सेक्शन जस्ट यू हैड डू इन अ टेक्स्ट बुक। जैसे हम अपने टेक्स्ट बुक्स में जब हम कोई अपना काम कर रहे हैं बुक से, आप कहीं पे बुक को रीड कर रहे हो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, सेम एज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है हाईलाइट का। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज होता है कि एक टेक्स्ट पर हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग यूज करी है, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, कोई भी ऑप्शन हो, उसको आप इजीली यहाँ से इरेज कर सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो किसी भी टेक्स्ट पे किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज होता है जैसे क्रिएट लिस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एडिंग विजुअल स्ट्रक्चर टू कंटेक्स्ट कंटेंट स्पेशल इन्फॉर्मेशन। यू कैन कस्टमाइज बुलेट इनटू इमोजेस और सिंबल। जैसे अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमारा कोई भी पैराग्राफ होता है, हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें बुलेट्स और नंबरिंग को ऐड करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। कंट्रोल्स द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। जो भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसको आप अलाइन कर सकते हो लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। जैसे कि आपको पता है कि जो जस्टिफाई टेक्स्ट होता है ये क्या करता है, दोनों साइड्स को इक्वल करता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट स्प्रेड टेक्स्ट इवनली गिविंग अ क्लीन न्यूज़पेपर लाइक अपीयरेंस एंड यूज सेंटर फॉर वेडिंग इन्विटेशन, जस्टिफाई फॉर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स। जस्टिफाई जो अलाइनमेंट है उसका यूज न्यूज़पेपर्स में होता है और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स क्रिएट करते वक्त यूज होता है। नेक्स्ट है शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग एड्स अ बैकग्राउंड कलर टू पैराग्राफ। जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा पैराग्राफ है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर ही ऐड कर देता है। नेक्स्ट है सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट का यूज होता है हमारा जो भी टेक्स्ट है, जो भी नंबर्स है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है शो एंड हाइड ऑप्शन। टॉगल्स द विजिबिलिटी ऑफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ये क्या करता है, जो हम अपना कोई भी रिपोर्ट रेडी करते हैं, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हिडन सिंबल्स को शो करने का काम इसका होता है। शो एंड हाइड ऑप्शन क्या करता है, हिडन सिंबल्स को शो करता है। जैसे कि टैब मार्क हो गए, एंटर मार्क हो गए, स्पेसेस होते हैं, हर एक वर्ड के बाद ही आपको डॉट शो करेगा। जहाँ पर भी हम स्पेस यूज करते हैं वहाँ डॉट शो करता है, जहाँ पर आप टैब यूज करते हैं वहाँ पर एरो शो करेगा, और जहाँ पर हम एंटर यूज करते हैं वहाँ पैराग्राफ मार्क। नेक्स्ट है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट्स हायरार्किकली लिस्ट विद मल्टीपल लेवल्स ऑफ बुलेट्स और नंबरिंग। यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट स्टाइल्स, रोमन नंबर्स, लेटर्स और नंबर्स। इसमें क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे नंबर्स भी यूज हो रहे हैं, रोमन नंबर्स भी हो रहे हैं और लेटर्स का भी यूज होता है। नेक्स्ट इज बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन के साइड में बॉर्डर का बॉर्डर को यूज करता है, चाहे वो हमारा पैराग्राफ हो, चाहे वो हमारा डॉक्यूमेंट पूरा होल डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। Adds border around text or paragraph for visual emphasis. Special information, you can create table without a table by combining borders and shading. Next is styles and formatting. Style, normal heading 1. अब उसमें आप देखते हैं कि आपको काफी सारे styles मिलते हैं, जैसे कि heading 1 हो गया, heading 2 हो गया, heading 3 हो गया। Style help maintain uniformity. The default style is word is normal. जो हम उसमें heading style use कर रहे हैं वो always normal होता है। Heading 1 can be set to blue, bold and 24 point for all titles instantly. Heading 1 का use कहाँ होता है, जब हम अपने document के heading को heading 1 में जैसे हम change करेंगे तो वो उसको blue color में change कर देगा, उसको bold कर देगा और 24 point उसका size कर देगा। Next है create a new style. Create a new style, define your own formatting style for future use. Special information, it's a huge time saver when working on lengthy documents. जब हम बहुत ज़्यादा lengthy documents में काम कर रहे होते हैं तब ये बहुत हमारे help करता है। किसी भी new style को हम बना के रख सकते हैं जो हमारे future तक में हम उसको use कर सकते हैं। Next है
द लास्ट ग्रुप एडिटिंग ग्रुप. एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है फाइंड. लोकेट स्पेसिफिक टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट. फाइंड ऑप्शन क्या करता है, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं. यूज फाइंड ऑल टू सी एवरी इंस्टेंस ऑफ अ वर्ड इन वन क्लिक. जैसे हमारे डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे उसमें कोई वर्ड देखना है कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइंड से क्या होता है, सिंगल वर्ड आपको शो करेगा. लेकिन जब आप फाइंड ऑल करोगे तो एक क्लिक से आपको जितनी बार भी वर्ड रिपीटेड है वो सारे एक साथ आपको शो करने लग जाएगा. नेक्स्ट है रिप्लेस वन वर्ड विद अनदर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. रिप्लेस की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एच. रिप्लेसेस वन वर्ड विद अनदर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. इसका मतलब है कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड को किसी भी दूसरे वर्ड के साथ हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. यू कैन रिप्लेस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टू. इससे क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी रिप्लेस होगी. लाइक टर्निंग ऑल बोल्ड टेक्स्ट इनटू रेड. रिप्लेसेस एमएस वर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन सेकेंड. जैसे जहाँ जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाए तो हम इसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है सिलेक्ट. हाईलाइट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेशल इन्फॉर्मेशन. यूज सिलेक्ट ऑल. इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल ए. कंट्रोल ए प्रेस करते ही हमारे डॉक्यूमेंट का जितना भी टेक्स्ट है वो एक क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा. और एक क्लिक करने के बाद जैसे हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, उसका उसमें जो भी चेंजेस करनी है वो आप इजीली उसमें कर सकते हैं. मास्टरिंग वर्ड टूल्स क्विक रीकैप. क्लिपबोर्ड के अंदर हमने सीखा कट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. फॉन्ट में हमने सीखा कंट्रोल फॉन्ट साइज स्टाइल एंड विजुअल एम्फेसिस. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट टेक्स्ट अलाइन स्पेसिंग एंड बैकग्राउंड कलर. तो ये सारी चीज़ें थी एमएस वर्ड के होम टैब में. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.